इंदौर के बैराठी कॉलोनी स्थित ईश केमिकल फैक्ट्री को नगर निगम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गई। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से नगर निगम को सूचना मिली थी कि कर्मचारी फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल और गंदगी को ड्रेनेज में डाल रहे थे। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर कार्यवाही की गई। फैक्ट्री में फिनाइल टॉयलेट क्लीनर संबंधित केमिकल बनाए जाते हैं। इंदौर को पांचवी बार स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए निगम जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं बैराठी कॉलोनी रहवासी क्षेत्र में ईश केमिकल फैक्ट्री की गंदगी संबंधित शिकायतें मिली थी, जिस पर निगम आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। निगम कर्मचारियों व अधिकारियों ने 1.5 घंटे तक फैक्ट्री के मालिक का इंतजार किया और उसके नहीं आने पर फैक्ट्री को सील कर दिया। आकाश का भाई यार, बस नहीं। इस फैक्ट्री है, यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री है, इनके द्वारा गंदगी के संबंधित शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। इनके वीडियो भी प्राप्त हुए थे और उसी संबंध में हमको निर्देश मिला था यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। आयुक्त महोदय के निर्देश थे, इनको सूचना दी गई थी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, या आए नहीं है। हम 1-1.5 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे इनका, तो हमने इसकी दुकान सील कर दी है। जैसे ही इनसे बात होती है और कार्रवाई के लिए ये तैयार होते हैं, इसके बाद इसको सील को रिलीज किया जाएगा। किस प्रकार का यहाँ पर केमिकल बनता था और कौन कौन से केमिकल बनाए? देखिए, मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन टॉयलेट क्लीनर और ये फिनाइल वगैरह संबंधी ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो यहाँ पर बनते हैं सर जी। पुराने वाले हैं सर, अभी तक तो नहीं आया है। इनके संबंधित हैं वो बता नहीं रहे हैं अभी, लेकिन संबंधित कोई व्यक्ति आए हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। 1 घंटे से हमें इधर उधर की बातें कर रहे हैं और अभी तक वो स्पष्ट हो नहीं पाए, वो सामने भी नहीं आए हमारे, तो जैसे भी आ जाते हैं, इसीलिए हमने दुकान अभी सील कर दी है। मेरा कुलदीप सिंह नाम है, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक जोन क्रमांक 12।